अस्सलाम वालेकुम। मीडियन का जो कैलकुलेशन है हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में पहले भी देखा है, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हमारे पास डाटा है, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, मार्कस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जीरो टू टेन, टेन टू ट्वेंटी, ट्वेंटी टू थर्टी, थर्टी टू फोर्टी एंड फोर्टी टू फिफ्टी। जी जिसके पास आपको आपके पास जिसके पास आपके टी आर जैन की किताब है अलेवेंथ की, पेज नंबर है, ये प्रॉब्लम जो इसने दी है पेज नंबर 0 टू 10 फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो 8, 30, 40, 12 और 10। इसने ये कैलकुलेशन के लिए हमें दे दिया है, ये प्रॉब्लम दी है इसने हमें कैलकुलेशन के लिए जाना है। जब हम कैलकुलेशन पे जाते हैं तो पहला काम हमारा जो होना चाहिए, वी हैव टू अरेंज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एक बात। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसीज को जो चेंज करना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इनको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में चेंज करना है। तीसरा जो कॉलम है आइडेंटिफाई करना है हमने मीडियन क्लास का, और चौथी जो प्रॉब्लम है, चौथा जो स्टेप है वो हमें सिंपली फार्मूला पर जाना है। मैं दोबारा इस क्लास को ले रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको कन्वीनियंस हो जाए। ये प्रॉब्लम टी आर जैन पे दी गई है, मुमकिन है कि ये इम्तिहान में भी आती है अक्सर और बेशतर। हम क्या काम करेंगे, हम अब सॉल्यूशन पार्ट पे जाएंगे। सॉल्यूशन पार्ट, वी विल राइट मार्क्स, वी विल राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आवर फ्रीक्वेंसी, देन थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंटेड बाय सीएफ, मार्क्स एंड सीएफ, दिस इज आवर क्लास इंटरवल 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास पहले क्लास की 0 टू 10 इट इज 8, 10 टू 20 इट इज 30, 20 टू 30 इट इज 40, फिर 30 से 40 की जो क्लास साइज है, क्लास इंटरवल है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है 12 है, और 40 और 50 का जो क्लास इंटरवल है इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है। हमने पहला काम क्या करना है, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 8 और 2 10, 3, इसका जो समेशन ऑफ एफ बनता है
it is 100. And this summation of f is always equal to n. n is equal to summation of f is equal to 100. अब यहाँ पर cumulative frequencies में हम देखेंगे 8, 8 को 30 से जमा करेंगे, this will be 38, 38 is to be added with 40, so its cumulative frequencies got that is 78 को 12 से जमा करने पर 90 हासिल होता है, और 90 को 10 से जमा करने पर हमें 100 हासिल होगा. Now हमने तीन काम किए, एक क्लास इंटरवल को इन असेंडिंग ऑर्डर तरतीब दे दिया, फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट कर दिया हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में, और अब हमने साइज ऑफ मीडियन क्लास देखना है, दैट इज साइज ऑफ मीडियन क्लास. मीडियन इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ एन डिवाइड बाय टू आइटम. मीडियन इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ एन डिवाइडेड बाय टू आइटम. दिस इज एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 100. दिस इज 100 डिवाइडेड बाय टू, इट इज 50. नाउ अब हम इस 50 को यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे कि किस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये पड़ता है. 8 में नहीं आएगा, 38 में नहीं आएगा, नेचुरली जो 50 है जो हमने मीडियन क्लास को देखा फाइंड आउट किया, ये इस थर्ड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, क्योंकि 38 के बाद 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, अप टू 78, यहां तक 39 से 78 तक जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो इस फ्रीक्वेंसी में आएगा. लिहाजा जो मीडियन क्लास है वो हमारा मीडियन क्लास जो है थर्ड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये 40 है, और इसका जो क्लास इंटरवल है वो 30 है, 20 से 30. इसकी जो प्रेसीडिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज 38. अब हम ये सारे वैल्यूज जो हैं इनको दोबारा उसी फार्मूला में लगाएंगे. फार्मूला रीड करती है एम इज इक्वल टू मैं लिखूंगा एल वन इज इक्वल टू 20, सी एफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 38, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल दैट इज एफ इज इक्वल टू 40, आई इज इक्वल टू 10. जब हम इसको फॉर्मूला में लगाएंगे एम इज इक्वल टू एल वन प्लस एन डिवाइडेड बाय टू माइनस सी एफ होल डिवाइडेड बाय एफ एन टू आई, एंड एन जो है इट इज इक्वल टू 50, इट इज इक्वल टू 100. अब ये सारे वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में लगाएंगे, दैट इज एल वन लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज 20 प्लस एन, एन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई टू माइनस सी एफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसिडिंग क्लास दैट इज 38 इंटू आई, आई इज 10. I is 10 whole divided by f, this is 40. Now this is equal to 20 plus 250 is 100, 50 minus 38 divided by 40
इंटू टेन इज इक्वल टू 20 प्लस 50 में से 38 निकालेंगे 12 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10 दिस इज 20 जरबे 10 और 12 को जरब करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 40 20 प्लस 120 को 40 से तकसीम करेंगे वी विल गेट 3 दिस इज 20 प्लस 3 इज 23 इज द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय TRJM सो अगर कल यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है मैंने इसका रिपीट इसलिए किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में सहूलियत हो जाए पता लग जाए ये फार्मूला क्या है क्या नहीं है मीडियन का डेफिनेटली इम्तिहान में आता है इसीलिए मैंने दोबारा इसको दिखाया आपको शुक्रिया फॉर टुडे।